So, हमारा मैथमेटिकल फिजिक्स है वो तीन टॉपिक्स में डिवाइड है लैप्लास ट्रांसफॉर्म कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म जिसको हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म भी कहते हैं सो so, लैप्लास ट्रांसफॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो है द डिफिनेशन्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज में भी स्केल प्रॉपर्टी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव एंड इंटीग्रल ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट इज द कन्वोल्यूशन थियोर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस और उसका कॉन्वल्यूशन कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं प्रॉपर्टीज हैं सबको हम लोग देखेंगे आज के क्लास में एंड देन देर आर एप्लीकेशंस ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म इन डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशंस में लैप्लस ट्रांसफॉर्म को कैसे यूज़ कर सकते हैं और इससे भी कभी सवाल पूछे जाते हैं सो so ये लैप्लस ट्रांसफॉर्म से इम्पॉर्टेंट है हम लोग कोशिश करेंगे कि आज की क्लास में लैप्लस ट्रांसफॉर्म कंप्लीट करें नेक्स्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करें और लास्ट में हम लोग पोरियर ट्रांसफॉर्म करें और हमारा प्रायोरिटी भी यही रहेगा कि हम लोग लैपप्लस ट्रांसफॉर्म को टोटली कंप्लीट करें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस उससे थोड़ा सा कम रहे क्योंकि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सिलेबस जो है काफ़ी बड़ा है और फोर ईयर ट्रांसफर्म जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इसको कम करें क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उसमें से तीन ही सॉल्व करने रहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में सो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए लैप्लस और कॉम्प्लेक्स पर हम लोग डिपेंडेंट रहेंगे और इंट्रीगल कैलकुलस का कुछ ही सवाल करेंगे ताकि वो शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव या फिर अगर इन द केस अगर कोई दो क्वेश्चन लैप्लस और कॉम्प्लेक्स का नहीं बनता है दैन हम लोग इंट्रीगल ट्रांसफॉर्म की ओर शिफ्ट करेंगे सो हम लोग एक एक करेंगे सारा तो so स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म से डिफिनेशन से पूरा पूरी हम लोग रिवाइज करेंगे सो लैपलास ट्रांसफॉर्म क्योंकि ये डिफिनेशन लिखने के लिए भी एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज लैपलास ट्रांसफॉर्म सो इफ कैपिटल एफ टी फंक्शन ऑफ एफ टी बी फंक्शन ऑफ टी डिफाइंड For all positive values of T such that T is greater than or equal to zero, then the Laplace transform of FT denoted by एल ऑफ एफ टी विच इज इक्वल टू एफ ऑफ कभी कई केसेस में एफ ऑफ है जनरली हम लोग लेकिन एफ ऑफ ये एस को यूज करेंगे इस वाले को यूज करेंगे सो so ये लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्यों हम लोग यूज करते हैं मेन इसका फिजिकल है एक्सपेक्ट है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं और बाउंड्री वैल्यू कंडीशन होते हैं तो जनरल कंडीशन को नहीं फाइन करते हुए लैप्लस ट्रांसफॉम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में काफी हेल्पफुल होता है सो दिस इज द मैथमेटिकल टूल एक तरह का मैथमेटिकल टूल है ये सो डिफिनेशन हो जाएगा एल ऑफ एफ टी जो हमें याद रखना है इज इक्वल टू एफ एस जीरो टू इन्फिनिटी ई टू दावर माइनस एस टी एफ टी डी टी ये एक डेफिनेट इंट्रीगल है जिसको हम लोग को याद रखना है वेर स्मॉल एस इज ए पैरामीटर दिस पैरामीटर में बी रियल और समटाइम्स इट इज कॉम्प्लेक्स रियल और कॉम्प्लेक्स कुछ भी हो सकता है ठीक है तो ये है लेप्लस ट्रांसफॉर्म कभी कभी यह पूछा जाता है कि यह कन्वर्स करता है कि नहीं कन्वर्स करता है तो यह जनरली कन्वर्स करता है सम वैल्यूज ऑफ एस और लैप्लस ट्रांसफॉर्म एफ टी इज सेट टू बी एग्जिक एग्जिस्ट अदरवाइज नॉट अगर ये कन्वर्स करेगा देन इट इज लैपलास ट्रांसफॉर्म कन्वर्ज और इट एक्जिस्ट अदरवाइज इट नॉट अब आते हैं कुछ स्पेशल फंक्शन लैपलास ट्रांसफॉर्म के फाइन करने के लिए दट इज लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शंस तो पहले इसको हम लोग टेबल के फॉर्म में याद कर लें कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं तो ट्रांसफॉर्म वेरियस फंक्शन बहुत सारे फंक्शन कर सकते हैं तो इधर हम लोग लिखते हैं एफ टी का वैल्यू और इसका लैपलस ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस इधर लिखते हैं यह टेबल याद करने में भी काफी हेल्पफुल है फर्स्ट इज

दिस इज फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई एस टू दावर एन प्लस वन और इसको हम लोग लिख सकते हैं गामा फंक्शन के फॉर्म में टाओ एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एस टू दावर एन प्लस वन सिंस वी नो दैट टाओ एन प्लस वन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन होता है ठीक है नंबर फाइव साइन ए टी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नंबर सिक्स ये टेबल्स पूरा याद रखना होगा ताकि ऑब्जेक्टिव में या फिर कुछ क्वेश्चन हो तो उसमें ये आराम से बन जाए एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इसमें फिर हम देख लेंगे कौन से प्रॉपर्टीज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है जिसको हमको और देखना होगा और उससे सवाल भी फ्रेम होते हैं नंबर सेवन साइन हाइपरबोलिक हाइपरबोलिकेटी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नंबर एट कॉस हाइपरबोलिक हाइपरबोलिकेटी इज इक्वल टू s divided by s square minus a square. Number nine heavy side function u times t minus a this is value of e to the power minus a s divided by s. Number ten delta of uh, dirac delta function t minus a s to the power minus a s. Number eleven. e to the power bt sin at, so this a divided by s minus a square plus sorry s minus b s minus b square plus a square and the last is ये special functions के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं properties अभी हम लोगों ने देखा नहीं है e to the power bt cos at दिस इज एस माइनस बी डिवाइडेड बाई एस माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ठीक है अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आते हैं सो प्रॉपर्टी नंबर थ्री प्रॉपर्टी नंबर वन एंड देन प्रॉपर्टी नंबर फाइव प्रॉपर्टी नंबर सिक्स ठीक है एंड देन प्रॉपर्टी नंबर नाइन दीज आर इंपॉर्टेंट फंक्शन इससे सवाल डिफरेंट टाइप से पूछे जा सकते हैं तो अब हम लोग कुछ को करेंगे जो इंपॉर्टेंट है उसको कुछ पहले वाले इसको भी करेंगे और देखेंगे कैसे उसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइन कर सकते हैं सो फर्स्ट इज एफ ऑफ टीवल टू वन ये सिंपल सा है तो हम लोग सिंस हम लोग जानते हैं सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू जीरो टू इनफिनिटी, ई टू दावर माइनस एस टी एफ टी डी टी होता है सो हम लोग लिखेंगे देरपोर इसको यहां लिखे लैपलस ट्रांसफॉर्म ऑफ वन जीरो टू इन्फिनिटी ई टू दावर माइनस एस टी पावर एस टी वन तो फ्रेक्ट नहीं पड़ेगा टू इंफिनिटी फर्स्ट बार में इंफिनिटी हम लोग पुट करेंगे माइनस ऑफ इ टू दावर जीरो माइनस वन बाई एस तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सो इट इज वन बाई एस ठीक है सो ये इंपॉर्टेंट था इसलिए हम लोग इसको किया नेक्स्ट लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी सो जो इंपॉर्टेंट है उसी को ज्यादा करेंगे हम लोग यहां पे। सो लेप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ

डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ भी डी एक्स ये हमारा प्रॉपर्टीज है इसमें हम लोग इसी को लेकर चलेंगे और एक फॉर्मूला होता है आई लेट अगर टो तो फंक्शन है तो जो पहले होगा उसको हम लोग को यू लेना है जो बाद में होता है उसको हम लोग को वी लेना है सो आई फॉर इनवर्स फंक्शन एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन ए फॉर एलजेब्राइक फंक्शन टी फॉर टेग्नोमेट्रिकल फंक्शन एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन सो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एल्जेब्राइक फंक्शन है क्या है टी और दूसरा एक फंक्शन है ई पावर माइनस टी लेना आ, टी जो है वो यू होगा क्योंकि एल्जेब्राइक फंक्शन पहले है एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में है इसलिए हम लोगों को टी लेना होगा यू और इसको लेना होगा वी तो so, ये हो जाएगा हमारा इ ट्री पावर माइनस एस टी इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटू टी लिमिट है तो पहले वाले हमको लिमिट यहाँ पे पुट कर लेना होगा जीरो टू इनिटी माइनस फिर टी का डिफ्रेंसीेशन टी का वन एंड देन फिर इंटीग्रेशन ऑफ इ टू दावर माइनस एस टी 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 इसका वैल्यू अगर हम लोग पुट करेंगे तो पहली बार में ई टू दावर माइनस एस टी दीरो और नेक्स्ट वाले में इवर माइनस एस टी में पावर जीरो करेंगे तो वन होगा लेकिन टी भी जीरो है टी में भी पुट करना है इसलिए ये ऑल टुगेदर इसका वैल्यू हो जाएगा जीरो माइनस टर्म को बाहर निकाल लेते हैं माइनस ठीक है वन बाई एस बाहर निकल गया जीरो टू इंफिनिटी इू दावर माइनस एस टी डी टी और अभी हम लोगों ने देखा है ऊपर वाले में इवर माइनस एस टी डी टी का इंटीग्रेशन होता है वन बाई एस So, इसको भी हम लोग डायरेक्टली यहाँ पुट कर देंगे वन बाई एस इंटू वन बाई एस दन बाई एस स्क्वायर तो ये हो गया हमारा सेकेंड वन नंबर जो इंपॉर्टेंट था एफ टी इज इक्वल टू टी ओके नेक्स्ट एक और आते हैं जो हम लोग फर्स्ट नंबर में लिखे थे एफ टी इज इक्वल टू ई टू दावर ए टी सो स ट्रांसफॉर्म ऑफ इ टू पावर ए टी इज इक्वल टू जीरो टू इंफिनिटी ई टू पावर माइनस एस टी ई टू पावर ए टी डी सो ये हो गया जीरो टू इन्फिनिटी इ टू द पावर माइनस एस माइनस ए इंटू टी डीटी और चूंकि हम लोगों ने दो फंक्शन को कंबाइन करके यहाँ पर लिख लिया तो पावर माइनस एस माइनस टी इंटू टी हो गया अब ये सिंपली इसको हम लोग को इंटीग्रेशन करना है तो हम लोग एग्जाम में कर भी सकते हैं नहीं भी ऐसे भी लिख सकते हैं इधर दी पावर माइनस एस माइनस ए डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ एस माइनस ए इस पर हम लिमिट पुट करेंगे ज़ीरो टू तो इन्फिनिटी जैसे इू दी पावर माइनस एस टी का इंट्रीगेशन वन बाई एस होता है इसलिए इवर माइनस एस माइनस ए है तो इसका इंट्रीगेशन वैल्यू पुट करने के बाद आएगा एस माइनस ए प्रोवाइडेड एस शुड बी ग्रेटर देन ये हो गया नेक्स्ट हम लोग आते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्योंकि इससे हम लोग नंबर नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम्स में करेंगे नंबर फोर एफ टी इज इक्वल टू साइन एल ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई टू दावर माइनस एस टी साइन ए टी डी टी ओके अब हम लोग साइन ए टी हम लोग जानते हैं टिग्नोमेट्री के प्रॉपर्टी से ये होता है इ टू दी पावर आई ए टी माइनस इ टू पावर माइनस आई ए टी डिड बाई टू ये वैल्यू यहां पुट कर देंगे सो जीरो टू पावर माइनस एस टी एंड देन इू पावर आई ए टी माइनस इ टू पावर माइनस आई ए टी डिडेड बाई टू डी टी ओके अब ये हम लोग दो पार्ट में इसको ब्रेक कर लेंगे फॉर्मूला हम लोगों ने गलत लिखा है यहाँ पे आई भी होता है साइन का फंक्शन है आई सो so ये हम टू आई को हम लोग क्या करेंगे कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे वन बाई टू आई कॉमन सो ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा जीरो टू इंफिनिटी इ टू दावर माइनस एस टी ई टू दावर आई ए टी डी टी एंड माइनस ऑफ नेक्स्ट टर्म इज जीरो माइनस एस टी इवर माइनस आई ए टी डी ठीक है अब इसको हम लोग क्योंकि दो बेस सेम है तो दोनों बेस में हम लोग सेम कर लेंगे तो ये हो जाएगा वन 2 टू आई जीरो टू e ई टू दावर माइनस ठीक है एस माइनस आई ए अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ओके इन टू टी डी टी और दूसरा वाला हो जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी ई टू दावर माइनस एस कॉमन लेंगे तो एस प्लस आई ए डी टी ठीक है तो अभी हम लोगों ने देखा है ऊपर वाले में कि इस वाले में हमारा जब एस माइनस ए होता है या टी होता है तो उसका इंटीग्रेशन जो होता है, 1 by S -A होता है तो सेम 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 यहाँ पर भी हम लोग वही करेंगे डायरेक्ट लिख लेंगे वन बाई टू आई ये हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई एस माइनस आई ए और ये हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई एस प्लस आई ए अब इसको सॉल्व करना सो so, ये हो जाएगा वन बाई टू आई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर में एस प्लस आई ए माइनस ऑफ एस प्लस आई ए माइनस से मल्टीप्लाई होके सल्ड ठीक है सो वन बाय टू आई इन ऊपर में टू आई ए बाय बाई एस स्क्वायर आई स्क्वायर का वैल्यू होता है इट इज़ डिवाइडेड ये हो गया हमारा साइन 80 का जो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट बताया था नेक्स्ट है कॉस 80 नंबर हो जाएगा हमारा So, Laplace transform of Cos AT is equal to L uh, zero to infinity to the power minus ST. कॉस एटी डीटी अब कॉस एटी जैसे हम लोग प्रीवियसली किया था साइन को उस तरह से यहां पर भी हम लोग करेंगे ई टू पावर आई ए टी प्लस ई टू पावर माइनस आई ए टी डिवाइडेड बाई टू ये फॉर्मूला हमारा होता है इसको so पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे सो जीरो टू इन्फिनिटी टू दावर माइनस एस टी टू दावर माइनस आई ए टी प्लस इ टू दावर माइनस आई ए टी डिड बाई टू दो पार्ट में इसको ब्रेक करेंगे वन बाय टू कॉमन जीरो टू इन्फिनिटी, फर्स्ट पार्ट में इ टू दावर माइनस एस टी टू दावर आई ए टी 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 प्लस सेकेंड पार्ट जीरो टू इन्फिनिटी इट माइनस एस टी इट पावर माइनस आई ए टी डी टी ओके एंड देन इसके बाद इस दोनों के प्रोडक्ट लेंगे क्योंकि बेस सेम है तो ये हो जाएगा जीरो टू इंफिनिटी इटो पावर माइनस कॉमन एस माइनस आई ए टी ठीक है एंड देन प्लस सॉरी डीटी भी रह जाएगा जीरो टू इंफिनिटी ई टू दी पावर माइनस एस कॉमन एस प्लस आईए टी टी यहां पर टी ओके तो ये हो जाएगा हाफ ये डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं वन डिवाइडेड बाई एस माइनस आईए और ये हो जाएगा वन डिवाइडेड बाई एस प्लस आईए फिर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग एस स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर एस प्लस आई ए प्लस एस माइनस आई ए आई ए आई ए कैंसल्डेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सो ना टू टू कैंसल्ड सो वी लेफ्ट विथ एस डिड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सो एक प्रॉब्लम था बाकी प्रॉब्लम्स भी हैं इंपॉर्टेंट लेकिन ये दो तीन जो हम लोगों ने देखा ये इंपॉर्टेंट था अब हम लोग आते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन और इसको हम लोग बाद के प्रॉपर्टीज पे करेंगे वहां प्रॉपर्टीज में हमारा किया हुआ है अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म पहले हम लोग टेबल्स में देख लेते हैं कौन कौन से प्रॉपर्टीज है फिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उसी को हम लोग फिर करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ La place dans ce Number one, this property is called a scaling property. So, f of a t, here we have f t, here we have f s. So, f of a t is equal to 1 by a f of s minus a. A should be greater than zero. Number two, this is the derivative. Laplace uh, derivative of f of t uh, dt is equal to s fs minus f of zero. Similarly, second order derivative. This is the first order derivative. Second order derivative t two ft by dt square you the s square fs minus s of f0 minus f dash 0 that is first order of this and third ft divided by dt q is equal to s cube fs minus s square f of 0 minus s of f dash 0 minus f double dash 0 okay number three integral that is 0 to t एफ टी डी इज़ इक्वल टू वन बाई एस एफ एस नंबर फोर क्योंकि एग्जाम में पूछा है व्हाट इज़ वैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड राइट द सम प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलॉस ट्रांसफॉर्म तो उसमें उस केस में हम लोगों को उसके प्रॉपर्टीज में कुछ स्किल जो हमको याद रखना होगा उसको लिखना होगा इनिशियल so, Value Theorem Limit T tends to zero F of T Limit S tends to infinity S of FS. Next number five Final Value Theorem This is limit t tends to infinity f of t is equal to limit s tends to infinity s f s number 6 first shifting property so e to the power minus a t f of t is equal to f of s plus a Second shifting property f of t u of t minus a is equal to e to the power minus a, and then Laplace transform of uh, I think f of t plus a. This is f of t plus a. नंबर एट इसको मतलब मिला लेते हैं अभी मल्टीपिकेशन बाय टी मल्टीप्लीकेशन बाय टी हेर वी हैव टी टी, इनटू एफ ऑफ ये होता है माइनस ऑफ टी बाय डी एस एफ ऑफ एस नंबर नाइन मल्टीपीकेशन बाय टी टू द पावर एन मल्टीप्लीकेशन by t to the power n is equal to t to the power n f of t minus 1 to the power n d to the power n ds to the power n f of s and number 10 division by t so it is 1 by t f of t s to infinity f s d s ये कुछ properties थे हमारे Laplace transform के जिसमें हम लोगों ने देखा कि first shifting properties में confusion हो रहा था कि first shifting property में कैसे आ, एस प्लस ए और एस माइनस ए में कंफ्यूजन हो रहा था तो एक जस्ट मिनट फर्स्ट सिस्टिंग प्रॉपर्टी में यहां पे, आई थिंक वी शुड हैव एस माइनस ए यहां पे एस माइनस ए होगा ओके अब यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग करेंगे अभी फर्स्ट इज स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑब्वियसली प्रॉपर्टी है दैट इज लीनियरिटी प्रॉपर्टी वो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आएगा तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी भी लिखना है तो ये ये इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और दो नंबर के सवाल भी बन जाएंगे डेरेवेटिव देन

क्योंकि एग्जाम में लीनियरिटी प्रॉपर्टी हम लोगों ने अभी टेबल में उसको नहीं लिखा है लीनियरिटी प्रॉपर्टी लेकिन हम लोग लीनियरिटी प्रॉपर्टी से कर रहे हैं स्टार्ट नंबर वन लीनियरिटी प्रॉपर्टी सो लीनियरिटी प्रॉपर्टी इसलिए ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम लोग ईजी करता है कि एक एक से ज़्यादा अगर फंक्शंस हो ऐड या सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में दिया हुआ रहे तब उस केस में जो लैपलस ट्रांसफॉर्म होता है वो इंडिविजुअल फंक्शन के एड या सम के बराबर होता है जनरल होता है दैट इफ हम सिर्फ प्रॉपर्टी प्रूफ नहीं करने जा रहे हैं। सो इफ ऑफ सी वन टाइम सी वन कॉन्स्टेंट है एफ वन टी प्लस सी टू एफ टू टी देन वी हैव सी वन टाइम्स एफ वन एस प्लस सी टू टाइम्स एफ टू एस मतलब दो फंक्शन के फॉर्म में देखा है कि अगर इस तरह से करें तो दोनों को अलग अलग हम करेंगे लेकिन कांस्टेंट का टर्म जो है वो सब में बाहर निकल जाएगा तो इसे रिलेटेड एक प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को जरूरी नहीं है कि यही रहे लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं स ट्रांसफॉर्म ऑफ और लास्ट में हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे फोर ई टू दावर फाइव टी प्लस सिक्स टी क्यू फोर कॉस थ्री टी प्लस थ्री साइन फोर टी तो लैपलास ट्रांसफॉर्म लेना है हमको यहाँ पे फोर इी पावर फाइव टी प्लस सिक्स टी क्यूब माइनस फोर कॉस थ्री टी प्लस थ्री साइन फोर टी अब स्केलिंग लिनेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि सबको अलग अलग हम को कर देना है तो हम लोग यहाँ पे सभी को अलग अलग कर देंगे एल ऑफ फोर इवर फाइव टी प्लस एल ऑफ लैप्ल सिक्स टी क्यू एल ऑफ माइनस फोर कॉस थ्री टी एंड एल लैपलस ट्रांसफॉर्म ऑफ थ्री साइन फोर टी अब लैप्लस ट्रांसफॉर्म कहता है प्रॉपर्टीज में कि जो कॉन्स्टेंट टर्म्स है वो बाहर निकल जाते हैं बाकी का लैप्लस ट्रांसफॉर्म हो जाता है सो so ये फोर टाइम्स हो गया लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ इ टू दी पावर फाइव टी प्लस सिक्स लैपलस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू दावर क्यूब प्लस सॉरी माइनस फोर लैपलस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस थ्री टी एंड प्लस थ्री टाइम्स लैपलस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन फोर टी अब प्रॉपर्टीज याद नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम बनेगा नहीं

का होता है एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए का वैल्यू है थ्री दैट इज नाइन प्लस थ्री ए डिवाइडेड बाय ऑफिसक् स्क्वायर प्लस स्क्वायर दिक्सटीन ठीक है इसको सॉल्व कर लें सो दिस डिवाइडेड बाई एस माइनस फाइव फैक्टोरियल थ्री दैट इज सिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई एस टू दावर फोर माइनस फोर एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस नाइन एंड फोर इंटू थ्री ट्वेल्व डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस सिक्सटीन सो ये काफी इजी था इस तरह के प्रॉब्लम्स हम लोग बहुत डिस्कस देखते हैं अब आते हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है change of scale property so pilot uh, properties definition if L of FT is equal to FS so if we change the scale scale matlab T ko change content so L of uh, sorry F of एल ऑफ एफ ऑफ ए टी केस ये हो जाएगा ए का वन बाई ए और एस का हो जाएगा एस बाई ये हमको याद रखना होगा ठीक है चाहे जैसा भी हो ए कुछ भी हो सकता है प्लस पैटिस कोई भी स्केल है तो इसके प्रूफ को हम लोग देख रहे हैं क्योंकि प्रूफ में भी इसका हमें आ सकता है स्केल प्रूफ इसके स्केल प्रॉपर्टी

0 जीरो पावर माइनस एस टी एफ ए टी डी टी ओकेट ए टी इज इक्वल टू ए टी हम लोग मान लेते हैं इक्वल तो so, क्या हो जाएगा टी सुड बी इक्वल टू यू बाई इन और लिमिट में कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि जीरो होगा तो जीरो होगा और इन्फिनिटी तो इनफिनिटी सो जीरो टू इंफिनिटी ई टू दावर माइनस एस टी के जगह पे हो गया यू बाई एफ ऑफ अब ये हो गया यू और डी टी के जगह पे अगर इसको डी टीफाइन करें तो डी टी इज इक्वल टू हो जाएगा चूंकि ए कॉन्स्टेंट है हमारा सो वन बाई ए और यू का डिफेंसिएशन डी यू ये हो जाएगा डी यू डिवाइडेड बाई ए अब चूंकि यहाँ पे ए मेरा कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन कोई वैल्यू नहीं है तो वन बाई ए को बाहर निकलेंगे जीरो टू इंफिनिटी पावर माइनस एस यू बाई एफ ऑफ यू डी अगेन पुटिंग पी इज इक्वल टू एस बाई एस बाई ए के जगह पे हम लोग पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा वन पाई ए जीरो टू इनफिनिटी ई टू पावर माइनस पी ऑफ यू ओके अब सिंस हम लोग जब यूज करते थे लैप्लस ट्रांसफॉर्म तो याद होगा लैप्लस ट्रांसफॉर्म में कि एफ ऑफ एल ऑफ एफ ऑफ टी जब लिखते थे वेरिएबल्स का बहुत मतलब है यहां पे तो हम लोग लिखते थे जीरो टू इंफिनिटी टू दी पावर माइनस एस टी डी एफ टी टी टीवल टू लिखते थे कहा से ऐसा था यहां से ऐसा आता था t के साथ जो मल्टीप्लाइड है टर्म ऊपर में e के पावर में तब हम लोग तो यहाँ पे t के जगह पे क्या है सब u है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा जो फंक्शन आता है लास्ट में वो किसके फॉर्म में आता है s के फॉर्म में यहाँ s के जगह पे क्या है p तो ऑब्वियसली इसका रिजल्ट होगा स्मॉल एफ ऑफ पी अब हमारा पी का वैल्यू अच्छा ये वन बाई ए तो पहले से रहेगा ही वन बाई ए अब वन बाई ए यहां लखे और पी का वैल्यू हमारा क्या है पी का वैल्यू अभी हम लोग ने सब्सिट्यूट किया एस डिवाइडेड बाई ए सो ये हो जाएगा एफ ऑफ एस डिवाइडेड बाई ए तो ये हमारा प्रूव हुआ ठीक है तो प्रॉब्लम इसमें बना ले बहुत आराम से बहुत इजीली है cos फाइव टी लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस फाइव टी तो एक जगह पे क्या है हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया है एक टी को अगर cos t होता तो सिंपल निकल जाता लेकिन ये हम लोगों ने शिफ्ट कर दिया और कॉस टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म होता है हमारा क्या कॉस टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म होता है एस डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर So we have to, क्योंकि हमारा एफ ऑफ एस जो है वो रिप्लेस हो गया एफ ऑफ एस माइनस ए से तो यहाँ पर भी हम लोग का ए जो है वो है क्या पहले तो आइडेंटीफाई करना हो एज फाइव सो यह फॉर्मूला कहता है ये होगा एंड देन रिप्लेस एस बाई एस बाई एस की जगह पे हो जाएगा एस बाई फाइव एस बाई फाइव का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर ए सॉरी फाइव का स्क्वायर यहाँ पे वन करेंगे हम लोग एस ए हम लोगों ने यहाँ पे जस्टिफाई कर दिया है यहाँ पे ठीक है तो एक मिनट कॉस्ट एक मिनट इसको हम लोग दूसरे तरीके से बनाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा वन बाई फाइव इस प्रॉपर्टी से ओके okay? देन f ऑफ s बाई ए जहां जहां s है उसको हम लोग को रिप्लेस कर देना है s बाई ए से सो so, s के जगह पे हो जाएगा एस बाई फाइव यहाँ पे हो जाएगा s बाई फाइव का स्क्वायर यहां से हम लोग कर रहे हैं और प्लस ट्वेंटी फाइव बस इसको सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा ठीक है ज्यादा कुछ यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं है ठीक है नेक्स्ट आते हैं हम लोग फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी एंड फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अभी हम लोग करेंगे आज के क्लास में उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर उसके आगे के प्रॉपर्टीज और इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे कोशिश करेंगे कि आज लैप्लास ट्रांसफॉर्म कंप्लीट हो जाए रिवाइज हो जाए सो नंबर प्रॉपर्टी नंबर थ्री फर्स्ट translation this is also called shifting property so if l of ft is equal to fs then स ट्रांसफॉर्म ऑफ ईट दी पावर ए टी एफ इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ए ये हमारा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है तो प्रूव करने जा रहे हैं सिंस इट इज़ गिवन एल ऑफ एफ टी equal to 0 to infinity e to the power minus st f of t dt and that is equal to f of s therefore l of kiska find kiska e to the power at ft ये हो जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी इू दावर माइनस एस टी ई टू दावर ए टी एफ टी डी टी तो यह हो जाएगा हमारा जीरो टू इन्फिनिटी इू द पावर माइनस एस माइनस ए टी एफ टी डी टी ओके नाउ पुटिंग क्वल टू एस माइनस ए तो हो जाएगा जीरो टू इन्फिनिटी टू दी पावर माइनस यू टी एफ टी डी हम लोगों ने एस माइनस ए को रिप्लेस कर दिया यू से ओके अब ये तो अगर हम लोग देखें तो ये क्या चीज का फंक्शन है सेम टू सेम अगर इसमें अगर देखते हैं तो एफ ऑफ एस होता है तो यहां पे एस के जगह पे क्या है एफ ऑफ यू है तो यहां पे हम लोग लिखेंगे सिंपली एफ ऑफ यू एंड वाट इज यू यू इज एस माइनस ए तो बहुत ही सिंपल सा था आराम से ये हमारा सॉल्व हो गया तो इससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं लैप्लस ट्रांसफॉर्म क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं क्वेश्चन बनाते हैं लेप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ इक्टी पावर माइनस टू टी साइन थ्री टी तो डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं डायरेक्टली करने के लिए हमको एफ ऑफ एस पता होना होगा एफ ऑफ एस कहाँ से पता चलेगा एफ ऑफ टी से एफ ऑफ टी क्या है ये हमेशा जो टर्म ई e के साथ मल्टीप्लाई रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट करने जा रहे हैं तो साइन थ्री टी इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा तो साइन का हमारा होता है ए दैट इज थ्री डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस नाइन ना ये हो गया हमारा एफ एस लेकिन हमारा आंसर जो होता है वो होता है जब इस मल्टीप्लाई uh, हो ई e का पावर माइनस ए टी से तो एस रिप्लेस होता है एस माइनस ए से वट इज एज इक्वल टू हमारा है यहाँ पे एस ऑफ हमेशा याद रखना है फंक्शन हमारा क्या है ई टू दावर ए टी प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है ए so, है हमारा यहाँ पे माइनस ऑफ टू ठीक है तो जहां जहां एस है वो रिप्लेस हो जाएगा डायरेक्टली किससे माइनस टू से ठीक है और फॉर्मूला हमारा होता है एस माइनस ए दैट मीन्स हम लोग को रिप्लेस कर देना होगा तो ये हो जाएगा थ्री एस माइनस ए तो माइनस माइनस प्लस एस प्लस टू का स्क्वायर प्लस तो ये हो जाएगा थ्री डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस फोर प्लस नाइन दैट इज थ्री डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस फोर एस प्लस थर्टीन ये सिंपल तो इस तरह से हम लोग स्केलिंग प्रॉपर्टी को यूज करते हुए फर्स्ट सिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं ठीक है अब आते हैं हम लोग लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ जो जो जरूरी है दैट इज डेरिवेटिव ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म ठीक है ये फोर्थ नंबर हो जाएगा डेरिवेटिव्स ऑफ लैपलस ट्रांसफॉर्म सो सिंपली हम लोग आते हैं एफ एल ऑफ एफ टी is equal to fs then first order derivative of fs is equal to l of minus dt t t ft okay proof so we have fs इक्वल टू जीरो टू इंफिनेटी ई टू दावर माइनस एस टी एफ टी डी टी ठीक है अब इसका हमको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे सो डिफ्रेंशिएटिंग आइदर साइड्स

So, ये हो ई टू दावर इसका डिफरेंशिएशन तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस टी ई का पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी ओके अब इसको हम लोग लिख सकते हैं जीरो टू इंफिनिटी ई टू दावर माइनस एस टी माइनस टी टाइम्स ऑफ एफ टी ट्रांसफॉर्म ऑफ डिफिनेशन से माइनस टी एफ ऑफ टी तो ये हमारा सीधा सीधी हो गया एल ऑफ माइनस टी एफ टी ठीक है एफ डैस एस इज इक्वल टू लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ माइनस टी एफ टी इसका इन जनरल हमारा जो प्रॉपर्टीज हमारा होता है ये भी इंपॉर्टेंट है इन जनरल ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वी कैन राइट प्रूफ नहीं करना है एल ऑफ टी टू दावर एन एफ टी होता है माइनस वन टू दावर एन एफ एन एस दैट इज माइनस वन टू दावर एन डी एन टी एस टू दावर एन एफ ऑफ एस तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे नेक्स्ट क्लास में हम लोग आई थिंक एक वन आवर से ज़्यादा हो गया तो आसपास होने जा रहा है तो ज़्यादा मोनोटोनस हो जाएगा तो so, हम लोग नेक्स्ट हम लोग करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में आज के शाम के क्लास में फाइनल वैल्यू थ्योरम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हो गया सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी मल्टिफिकेशन बाई टी हो गया डेरेवेटिव करेंगे एंड कुछ उसके बाद हेवी साइड फंक्शंस और यूनिट स्टेप फंक्शंस का ही करेंगे रिवीजन करेंगे और कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आया था या आ सकता है जो क्वेश्चन उसको हम लोग डिस्कस करेंगे एंड देन फिर देखेंगे इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म उसके बाद अगर समय परमिट करेगा तो हम लोग करेंगे कॉन्वल्यूशन थ्योरम एंड कॉन्वल्यूशन थियोरम के बाद एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म इन डेरिवेटिव ये हमारा लैपलास ट्रांसफॉर्म के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं